और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आया है। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद रेमो डिसूजा की एंजियोग्राफी करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि अब रेमो की हालत स्थिर है। खबर है कि रेमो डिसूजा को आज दोपहर करीब 2:30 बजे हार्ट अटैक आया। तुरंत ही हार्ट में ब्लॉकेज हटाने के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया। रेमो के साथ उनकी पत्नी लिजेल भी अस्पताल में मौजूद रही। रेमो डिसूजा जो जाने माने कोरियोग्राफर हैं, रामाश्रय हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामाश्रय, इस समय रेमो डिसूजा की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊं कि दोपहर के कम से कम 2:30 बजे ही रेमो डिसूजा मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, और अब जो है उनकी जो हालत है वो बिल्कुल स्टेबल है। हमारे उनके जो परिवार वाले हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, और जो डॉक्टर्स की टीम है कोकिलाबेन हॉस्पिटल की, उन्होंने भी बताया है कि कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के अब स्टेबल है, उनकी जो हालत है वो बिल्कुल ठीक है। चेस्ट पेन की वजह से, वही एक कारण था जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और एडमिट करने के बाद यही बताया जा रहा है कि उन्हें ब्लॉकेजेस थी जिसकी वजह से उनकी अचानक एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ी। अब जो है वो आईसीयू में है, आईसीयू वार्ड में है कोकिलाबेन हॉस्पिटल के, और उनकी जो हालत है वो बिल्कुल स्टेबल है। अब कुछ ऐसे डरने की बात नहीं है, उनकी हालत में बहुत सुधार आया है, और उनके परिवार वालों ने भी हमसे बात करते हुए ये कहा है कि अब वो स्टेबल है, और वो ये कहना चाहते हैं कि उनके फैंस के लिए भी एक अच्छी खबर है कि रेमो डिसूजा खतरे से बाहर है। बिल्कुल राम, जैसा आप बता रहे हैं कि एकाएक उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तुरंत ही जैसे ही तबीयत खराब हुई, डॉक्टर्स का क्या कहना है? अभी कितने दिन वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, अब जो है वो कम से कम मैं आपको बताऊं कि 4 से 5 दिन तक फिलहाल वो आईसीयू में ही रहेंगे, उसके बाद में वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए जाएंगे। वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर्स की टीम फिर डिसाइड करेंगे, वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं, उनको घर में उनको डिस्चार्ज नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे कि आईसीयू में कुछ दिन रहेंगे, आईसीयू के बाद वो नॉर्मल वार्ड में रहेंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर्स की टीम डिसाइड करेगी कि समझिए आप कम से कम 6 से 7 दिन भी जा सकते हैं उनको हॉस्पिटल में, या उससे पहले भी वो डिस्चार्ज हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स है आने वाली रिपोर्ट्स भी बताएगी कि उनको कितने दिन हॉस्पिटल में रखना चाहिए। डॉक्टर्स किसी भी तरह के जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं देना चाहते कि उन्हें जल्दी घर डिस्चार्ज करें। बहुत शुक्रिया राम तमाम बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया है कि डॉक्टर्स की निगरानी में वो रहेंगे लगभग 4 से 5 दिन और, एंजियोप्लास्टी के बाद आईसीयू में ही वो इस वक्त हैं। हमारी उनके परिवार वालों से भी बात हुई, उनका कहना है कि रेमो डिसूजा की हालत अब ठीक है, वो डॉक्टर्स की निगरानी में है, 4 से 5 दिन डॉक्टर्स की देखरेख में ही रहेंगे।